हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। और आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ साइंस चैप्टर नंबर 1, जो कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में बात कर चुके हैं, समझ चुके हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से फॉर्म होती है, कौन कौन से पदार्थ उसमें अभिकारक कहलाते हैं, कौन कौन से पदार्थ उसमें उत्पाद कहलाते हैं। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में जो पहले दो प्रकार हैं, जिनका नाम है संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया, इनको हम समझ चुके हैं, इनके एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस करे थे। और इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार की अभिक्रियाएं जैसे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी हमने पढ़ी, इन्हें भी हमें समझा था पिछली अपनी क्लासेस में। आज का जो क्लास है उसको स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन से उसे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में आता है, और ये क्वेश्चन काफ़ी सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज इसलिए करता है क्योंकि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ही कन्फ्यूजिंग होती है। आज हम मैं उस क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है इसे पहले बोर्ड पर लिख लेते हैं। आइए बोर्ड पर, प्रश्न है, किसी पदार्थ कैपिटल एक्स का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, के लिए होता है। आपको इसमें बताना है नंबर 1, दो क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, एक्स का नाम, कि जो पदार्थ एक्स है इसका नाम क्या है, पदार्थ एक्स का नाम और इसका सूत्र भी आपको लिखना है, तथा सूत्र, और उसके अलावा नेक्स्ट एक्स की जल के साथ अभिक्रिया, साथ अभिक्रिया का आपको समीकरण लिखना है। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, टाइम जाएगा, जस्ट मैंने आपको शॉर्ट में क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने इस पदार्थ के बारे में पढ़ा था, है ना, संयोजन अभिक्रिया में मैंने आपको बताया था एक पदार्थ होता है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। इस पदार्थ का नाम हम बाज़ार में जा कर के बोलते हैं, कैसा चूना, बिना बुझा चूना या अनबुझा चूना। बिना बुझा चूना, और इसका सूत्र, इसका सूत्र हम पढ़ चुके हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। नाम लिख लेंगे, क्या है ये, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, बिना बुझा चूना, ये फर्स्ट वाले पार्ट का, एक्स का नाम तथा सूत्र। तो एक्स का नाम क्या है, बिना बुझा चूना, और इसका सूत्र है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। तो किसी पदार्थ एक्स का, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि सफ़ेदी करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं। सफ़ेदी करने के लिए हम बिना बुझे चूने का उपयोग करते हैं, तो दैट मीन्स ये जो एक्स की बात कर रहे हैं वो क्या है, वो ये है कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा है कि एक्स की जल के साथ अभिक्रिया, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण, कैसे होती है। यदि आपको याद हो तो ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड, ये हम इसमें जल मिला देंगे H2O। जब जल मिला लेते हैं तो ये कैसी अभिक्रिया होती है, स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसमें कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड बनता है CaOH होल ट्वाइस, और इसमें ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है क्योंकि ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मैंने बताया था चूने वाली, इसको हम लोहे की बाल्टी में करेंगे, ठीक है, चूने को हम प्लास्टिक की बाल्टी में नहीं सॉल्यूट करेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे करके पानी को मिलाया जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं,
इसका नाम है बिना बुझा चूना या कैल्शियम ऑक्साइड। और इस पदार्थ का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर बुझा हुआ चूना भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इधर बिना बुझा चूना लिखा है तो इधर मैं बुझा हुआ चूना लिख लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, जस्ट इतना ही क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उम्मीद है कि इसे समझ गए होंगे आप। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि सफ़ेदी करने के लिए किस पदार्थ का या फिर किस विलयन का हम लोग प्रयोग करते हैं। आइए स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हम दो प्रकार की अभिक्रियाएँ पढ़ चुके थे, संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं एक नई प्रकार की अभिक्रिया जिसका कि नाम है विस्थापन अभिक्रिया। तो पहले एक रिएक्शन लिखता हूं और रिएक्शन के थ्रू आप हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है। तो रिएक्शन को हम इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे सपोज हमने एक विलयन लिया, किसी बर्तन में एक घोल लिया और वो घोल है कॉपर सल्फेट का। वो घोल किसका है स्टूडेंट्स? वो घोल है कॉपर सल्फेट के विलयन का। तो सपोज़ ये बर्तन है, इसमें मैंने ये घोल ले लिया है, ये घोल जो है इस घोल का नाम क्या है? कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें लोहे की कील डाल देता हूं, इस कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाल देता हूं। ठीक है, ये एक लोहे की कील है, ये एक अभिक्रिया है स्टूडेंट्स। इसमें क्या होगा, जब आप लोहे की कील को कुछ टाइम बाद निकालोगे तो उसका रूप जो है या फिर उसके ऊपर जो कलर है वो चेंज हो चुका होगा और कुछ इस कॉपर सल्फेट के विलयन का भी कलर चेंज हो चुका होगा। तो ये अभिक्रिया को मैं, ये तो हमने जो फिजिकल जो अभिक्रिया करी वो है, इसको हम लिखेंगे कैसे? लोहे की कील मतलब क्या होगा, उसमें आयरन होगा। ठीक है, इसको मैंने किसके अंदर डाला? इसको मैंने कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर डाला। तो अभिक्रिया में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आयरन इस कॉपर की जगह पर आ जाता है और FeSO4 यानी कॉपर सल्फेट था यहाँ पर आयरन सल्फेट बन जाता है। और ये आयरन यहाँ अकेला था तो यहाँ ये कॉपर अकेला हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आई है। अभिक्रिया में क्या हुआ, इसको मिटा देते हैं। अभिक्रिया में क्या हुआ, आयरन को जब कॉपर सल्फेट, लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला गया तो वहाँ से उसने कॉपर को हटा करके खुद उसकी जगह आ गया। ये सॉलिड स्टेट होगी, ये एक्वस स्टेट और ये सॉलिड स्टेट। ठीक है, इसमें नाम लिख लेते हैं, ये कॉपर सल्फेट का विलयन। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक चीज़ पे फोकस करने को कहा है, जब भी आप कोई अभिक्रिया लिखते हैं उसमें ये चीज़ें आपको ज़रूर से लिखनी है। तो इसीलिए मैं भी अभिक्रिया लिखने के बाद ये सारी चीज़ें उसमें लिख रहा हूँ। अभिक्रिया मैंने चेक कर ली है, ये संतुलित है, बस इतना काम आपको करना है। अब आगे की बात आप समझिए कि जो ये कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर का हटना हुआ है वो किसके कारण से हुआ है? वो हुआ है स्टूडेंट्स आयरन के कारण से। हम ये कह सकते हैं कि आयरन ने कॉपर को उसके विलयन से हटा दिया है, उसके विलयन से हटा दिया है और खुद उसकी जगह पर आ गया है। तो इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो शब्द है विस्थापन। ठीक है, विस्थापित कर देना यानी विस्थापन, और इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो सीधी सीधी बात है, विस्थापन अभिक्रिया में आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि वे अभिक्रियाएं जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर लेगा, इस अभिक्रिया को हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। जब किसी अभिक्रिया में एक तत्व, ये तत्व है, इसको हम तत्व बोलते हैं, एलिमेंट, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा,
दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब मैंने क्या समझाया था स्टूडेंट्स, हटा देना और उसकी जगह खुद आ जाना। विस्थापित कर देता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, और फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये आप एग्जांपल दे सकते हैं, इसमें उदाहरण दे सकते हैं कि उदाहरण क्या है, ये है। अब सपोज क्या होता है कई बार कि हमको इतना तो हमने पढ़ लिया और हमें लगता है ये समझ में आ गया, और इसके बाद हम समझते हैं कि इसे रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम टाइम पे हमें ये बहुत आसान लगता है। तो सपोज़ हमने क्या किया, हमें लगा ये आसान है और एग्ज़ाम टाइम पे हमने इसको ऐसे लिख दिया, ये जो अभिक्रिया थी इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। आप कहेंगे एक ही बात है, यहाँ पर आयरन ने कॉपर को हटा दिया था, यहाँ पर कॉपर ने आयरन को हटा दिया। लेकिन स्टूडेंट्स आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये अभिक्रिया गलत है, ये अभिक्रिया गलत है, ये अभिक्रिया नहीं होती। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आयरन ही कॉपर को उसके सॉल्यूशन से या उसके विलयन से विस्थापित करेगा, कॉपर नहीं, ठीक है। ये बात ध्यान रहेगी, ये अभिक्रिया गलत है, ये अभिक्रिया लिख करके मत आ जाना। इसके अलावा मैं एक दो अभिक्रियाएँ और बताता हूँ आप कौन कौन सी अभिक्रिया लिख सकते हो। आपको इसमें ध्यान रखना है कि सारे ही तत्व जो हैं वो विस्थापन अभिक्रिया इस प्रकार से नहीं करेंगे। इसके पीछे आप पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों हुआ कि आयरन ने ही कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित किया, कॉपर ने आयरन को क्यों विस्थापित नहीं किया। तो स्टूडेंट इसको हम पढ़ेंगे जब हम चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु पढ़ रहे होंगे, वहाँ पर हमें एक श्रेणी सीरीज देखने को मिलेगी, उस सीरीज़ का नाम है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में ये बात आपको बताई जाएगी कि किसी धातु को उसके विलयन से हटाने के लिए हमको उससे अधिक क्रियाशील धातु की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब जैसे कि सपोज़, जैसे सपोज जंगल में जानवर होते हैं ना, तो किसी जानवर का अपना एक एरिया होता है। अब सपोज़ उससे कमज़ोर जानवर वहाँ आएंगे तो वो उसको उस जगह से नहीं हटा पाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा शक्तिशाली जानवर आ जाएगा तो उसको उसकी जगह से हटा देगा और खुद वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा ही होता है यहाँ पर। तो अभी सिर्फ आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर कॉपर नहीं लिख देना है, और ये चीज़ आपको कहाँ पर समझने को मिलेगी, चैप्टर नंबर 3 में जब आप सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे। फिलहाल इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप, और कॉपर सल्फेट का ही हम सॉल्यूशन लेते हैं, कॉपर सल्फेट का ही। विलयन काफ़ी सारे हो सकते हैं बट मैं आपको जनरल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसमें से आप एक दो एग्जाम्पल याद रखेंगे तो काम बन जाएगा। कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन है, और इस बार मैं धातु की जगह यूज़ कर रहा हूँ जिंक को, तो ये जिंक भी अभिक्रिया कर लेगा, जिंक भी ये काम को कर लेगा, और यहाँ पर जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर जो होगा पृथक हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इनके नीचे नाम लिखना ना भूलें, ये कॉपर सल्फेट है, ये जिंक सल्फेट है। इसके अलावा यदि और उदाहरण की बात करें, सॉल्यूशन आप चेंज करें, तो कॉपर का आप कॉपर आयोडाइड लिख सकते हैं या कॉपर क्लोराइड लिख सकते हैं। कॉपर क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर से अधिक क्रियाशील और धातु भी होती है, जैसे लेड हो गया, ठीक है। लेड धातु भी क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है, ये अभिक्रिया भी हो जाएगी, कॉपर हट जाएगा यहाँ से, इसकी जगह पर लेड आ जाएगा और कॉपर हट जाएगा। तो अभिक्रियाएँ काफ़ी सारी हो सकती हैं। अभी हम फिलहाल जस्ट मैंने आपको 3-4 अभिक्रियाएँ लिख दी हैं इसमें उदाहरण के लिए, आप ये उदाहरण भी देंगे तो चल जाएगा काम। बट ध्यान रखना है आपको कि सक्रियता श्रेणी में हम यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे। स्टूडेंट्स विस्थापन अभिक्रिया में आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे, जस्ट डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स। इसके बाद हम एक नई प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे, उस अभिक्रिया के लिए भी पहले हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे सपोज दो विलयन हम लेते हैं, दो विलयन लेते हैं, एक विलयन है Na2SO4 और दूसरा विलयन है BaCl2। नाम लिख देते हैं इसका, विलयन है तो एक्वस स्टेट आएगी AQ, ठीक है। यह है सोडियम सल्फेट और ये है बेरियम क्लोराइड,
ठीक है। अभिक्रिया क्या होती है, सीधे अभिक्रिया लिख लेता हूँ पहले, फिर समझते हैं। यहाँ बनता है BaSO4 और NaCl, पहले अभिक्रिया को बैलेंस कर लेंगे, BaSO4 एवं NaCl दोनों, ये सॉलिड स्टेट में होगा और ये होगा एक्वस स्टेट में। अभिक्रिया को बैलेंस कर लेते हैं, सोडियम यहाँ दो है, क्लोरीन यहाँ भी दो है, यहाँ एक एक है, तो इसको दो कर दीजिए, ये बैलेंस हो जाएगा। आप अभी तक सीख चुके होंगे, यदि आप इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे घर में, तो समीकरण संतुलित करना आप सीख चुके होंगे अब तक। यदि नहीं सीखे होंगे तो पिछली क्लास में हमने इसको समझा है। और NaCl का नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ये सारे नाम आप लिखने के बाद अब ये अभिक्रिया क्या हुई, कंप्लीट हुई। अब इस अभिक्रिया में हम क्या समझेंगे, देखिए यहाँ सोडियम के साथ सल्फेट था, यानी यहाँ सल्फेट किसका था, सोडियम का था, और यहाँ किसका सल्फेट बन गया, बेरियम का। तो यहाँ बेरियम का क्या था, क्लोराइड था, यहाँ बेरियम का सल्फेट बन गया, यहाँ सोडियम का सल्फेट था, यहाँ सोडियम का क्लोराइड बन गया। इसको यदि आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड के साथ चल गया, यहाँ से बेरियम सल्फेट के साथ आ गया। यहाँ पर भी विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, लेकिन दो तत्वों के साथ हो रही है, ठीक है। दो तत्व क्या कर रहे हैं, विस्थापन कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। ये इसकी परिभाषा आप कैसे देंगे, ये रिएक्शन होती कैसे है, कि ये जो Na2SO4 है ये टूट जाता है, सबसे पहले इसका वियोजन होता है। तो मैं मैकेनिज्म आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भले ही आपके क्लास में है नहीं, बट इसको थोड़ा बहुत यदि समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे आप। सोडियम सल्फेट में ऐसे ऐसे इसका वियोजन होता है, ठीक है। ये चार्जेस होते हैं, ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे कि इनके ऊपर इस प्रकार के चार्ज होते हैं, इस प्रकार के आवेश होते हैं, और बेरियम क्लोराइड कुछ इस प्रकार से टूटता है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अपने जैसे चार्ज को, विपरीत आवेश को, ठीक है, इनको हम बोलते हैं आयन। ये क्या है, आयन है, ये सोडियम का आयन है, ये सल्फेट का आयन है, ये बेरियम का आयन क्लोराइड, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव, ये एक नेगेटिव, ये दोनों आयन क्या कर लेंगे, आदान प्रदान कर लेंगे और पदार्थ बना लेंगे, आयनिक पदार्थ NaCl। और यहाँ पर ये BaSO4 भी, यहाँ दो नेगेटिव हैं, यहाँ दो पॉजिटिव हैं, दोनों मिलकर के बेरियम सल्फेट बना लेंगे। तो यहाँ पर जो पदार्थ का निर्माण हो रहा है, जो उत्पाद का निर्माण हो रहा है, यदि ये बात आपके समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, यदि आ गई तो अच्छी बात है। हमको सिर्फ यहाँ से डेफिनेशन निकालने का मतलब था कि यहाँ पर अभिकारकों के बीच क्या हुआ है, आयनों का आदान प्रदान हुआ है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन अभिक्रियाओं को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। उदाहरण के लिए आप ये लिख सकते हैं कि ये इसका उदाहरण है, ठीक है। सोडियम सल्फेट, जब सोडियम सल्फेट को बेरियम सल्फेट दोनों विलयनों को मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट तथा सोडियम, अच्छा यहाँ पर ये सॉलिड लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, इसको हम बोलते हैं अवक्षेप। यहाँ पर आपको एक और नई चीज़ सीखने को मिली, ये अवक्षेप क्या होता है, इसको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। अवक्षेप एक प्रकार का हो गया स्टूडेंट्स अविलेय पदार्थ, अविलेय मतलब जो घुलेगा नहीं, अवक्षेप हो गया एक प्रकार का अविलेय पदार्थ। कैसे, सपोज आप पानी लीजिए, पानी में आप, ये सफ़ेद रंग का होता है तो मैं सफ़ेद भी लिख देता हूँ, इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा, ये सफ़ेद अवक्षेप होता है इसका। पहले अवक्षेप को समझाता हूँ, अवक्षेप क्या होता है, जैसे सपोज आप पानी लेते हैं, साफ पानी, और साफ पानी में आप चूने, जो चौक होती है, चौक को पीस करके उसको साफ पानी में डाल दीजिए, उस पानी को हिलाइए, तो चूना क्या होगा, पहले तो पूरे पानी में आपको ऐसे लगेगा चूना चूने का पानी हो गया है, लेकिन जब आप उसे छोड़ देंगे कुछ देर के लिए एक जगह पर रख देंगे, तो वो जो चूना होगा वो नीचे सेटल हो जाएगा, तली पर बैठ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये अभिक्रिया भी होती है, इसमें ये भी विलयन है, ये भी विलयन है, जब दोनों विलयन मिलते हैं तो तली पर हमको कुछ सफ़ेद सफ़ेद का पदार्थ बैठा हुआ दिखाई देता है, वो अविलेय पदार्थ होता है, उसको हम अवक्षेप बोलते हैं, ठीक है। तो अवक्षेप क्या हुआ, एक अविलेय पदार्थ हुआ जो अभिक्रिया के बाद हमको
तली पर बैठा हुआ दिख जाएगा, यानी कि वो जो विलयन होगा उसमें घुलेगा नहीं। और यहाँ पर बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है, कैसे कलर का, सफ़ेद रंग का। तो एक जब किसी अभिक्रिया में आपको अवक्षेप बनता है, जब किसी अभिक्रिया में आप देखेंगे अवक्षेप बना है, जैसे हमने पीछे देखा था कि जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा निकली तो उसमें हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी, जब ऊष्मा का शोषण हुआ तो ऊष्माशोषी, यहाँ पर अवक्षेप बना तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेप को बोलते हैं प्रिसिपिटेट। और तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनेगा उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसकी डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं, इनको आप नोट में लिख देना, ठीक है, नोट में आप ये लिखेंगे कि इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। सफ़ेद अवक्षेप क्या होता है, अविलेय पदार्थ होता है। और अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम कुछ नई प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे चार प्रकार की अभिक्रियाएं अब तक हम पढ़ चुके हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इनके साथ साथ हमने कुछ छोटी छोटी अभिक्रियाएं भी देखी, जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया एवं अवक्षेपण अभिक्रिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं वो है ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन तत्व के अभिकारक और उत्पाद में उपस्थिति के आधार पर। तो स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को जलाने की बात करते हैं, कि किसी अभिक्रिया में हमने, जैसे सपोज चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो हमने बोला था मैग्नीशियम के रिबन को जला दीजिए आप वायु की उपस्थिति में। किसी भी चीज़ को आप जलाएंगे तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी चीज़ को जलाया जाता है तो उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है, यानी हम बोलते हैं कि उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो गया है। यहाँ पर हम दो प्रकार की अभिक्रियाएं देखेंगे, एक प्रकार की अभिक्रिया में तो ऑक्सीजन जुड़ता है और एक प्रकार की अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी ऑक्सीजन निकलता है। तो पहली प्रकार की अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन जुड़ता है उन प्रकार की अभिक्रियाओं को हम उपचयन नाम देते हैं, और दूसरे प्रकार की अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है या फिर ऑक्सीजन का ह्रास होता है उन्हें हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे लिखेंगे इन्हें, देखिए, सबसे पहले उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया में आप लिखेंगे अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। उदाहरण देखिए, उदाहरण कैसे, सपोज एक पदार्थ मैंने लिया, यहाँ पर एक धातु बोल दीजिए कॉपर, जब कॉपर को लेते हैं, कॉपर को आप वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो कॉपर के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है, कॉपर ब्लैक हो जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं, जो काले रंग की परत है वो कॉपर ऑक्साइड होता है, कॉपर ऑक्साइड के बनने के कारण वो होता है जब इसको हीट किया जाता है या फिर इसको जलाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कॉपर यहाँ पर अकेला था और यहाँ आप देखिए उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हम बोलेंगे कॉपर का उपचयन हो गया है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि उसमें हो चुकी है। बात समझ में आई। इसके बाद हम देखेंगे अपचयन, तो अपचयन क्या होगा, उपचयन का जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होती थी, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी या फिर आप कह सकते हैं ऑक्सीजन का ह्रास होगा। कैसे, सपोज ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है,
ये कॉपर तो कैसे, तांबे को आपने देखा ना कैसे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है, ब्राउन कलर का। और ये कॉपर ऑक्साइड जो होता है, मैंने बोला काले रंग की परत चढ़ जाती है, तो उस काले रंग का ये कॉपर ऑक्साइड होता है। अब इस कॉपर ऑक्साइड को हमको वापस से भूरे रंग का बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवाहित करते हैं, H2 गैस जब इसमें डालते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड वापस से कॉपर बन जाता है भूरे रंग का, ठीक है। और ये ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन के साथ चले जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी और यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, यहाँ पर कॉपर का अपचयन हुआ है। तो उपचयन और अपचयन समझ में आ गया होगा आपको। उपचयन और अपचयन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जब ऑक्सीजन किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या फिर ऑक्सीजन का योग होगा या ऑक्सीजन का उसमें जुड़ाव होगा तो उसे हम उपचयन कहेंगे, और यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होगी, यदि ऑक्सीजन उससे निकल रही होगी, तो हम उसे अपचयन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, इससे आगे की बात को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो भी पढ़ाया गया है वो समझ में आया होगा। यदि आप इसे रिवाइज़ करना चाहते हैं तो DD उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल पर जाकर के वहाँ पर आपको इस लेक्चर की और अदर लेक्चर की सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। इससे संबंधित जो भी जानकारी आपको आपके TV स्क्रीन पर दे दी गई है। हम अगली क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।